वेलकम टू ई टाइम्स टीवी। कैसे हैं आप? और बहुत बहुत मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू। कैसा लग रहा है? यू हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द विनर ऑफ द शो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगा ही नहीं था कि मैं ये शो जीत सकूंगा। जब मैं जीता था तो मुझे लग रहा था कि मैं एक सपना देख रहा हूँ। वाओ। अच्छा, जब आपका नाम अनाउंस हो रहा था, जब फाइनल मोमेंट था, जब नाम अनाउंस होने वाला था, तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था? नर्वस थे आप? घबराए हुए थे? मैं बहुत नर्वस था। और मेरी डांस टीचर दीपिका मैम ने मुझे बोला था कि जब भी नर्वस हो तो लंबा सांस लेना। तो मैंने वही किया, मैंने लंबा सांस लिया। उसके बाद जब मेरा नाम लिया तो मैं एकदम से शॉक्ड हो गया। जी जी। एंड उसके बाद जब आप विनर डिक्लेयर हो गए, तो सबसे पहली चीज आपने क्या की? सबसे पहली चीज मैंने मेरे स्कीपर वैभव सर, जो वैभव सर की टीम है, सबके पैर छुए। उसके बाद मैंने अपनी दीपिका मैम का भी पैर छुआ। उसके बाद मैंने फोन किया सबको। मेरी दीपिका मैम ने मुझे बोला सबको फोन करो, तो मैंने सबको फोन किया और बोला कि मैं जीत चुका हूँ। तो सब लोग बहुत खुश थे उधर। तो मुझे बताओ कि कैसे सेलिब्रेट कैसे किया? जीत गए आप तो उसको सेलिब्रेट किया ना, कुछ पार्टी वार्टी की थोड़ी फ्रेंड्स के साथ, जिनको जानते हो उनके साथ? मैं तो यही पे होटल पे हूँ, यहाँ तो कुछ भी पार्टी नहीं कर सकता। ओह अच्छा। और आपके कितने फ्रेंड्स बन गए नोबू जी ये जर्नी में? ये जर्नी में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बने थे, पर उनमें से जो भी फ्रेंड्स बनते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, तो वो मुझे थोड़ा बुरा लगता है। पर इसमें मेरा सबसे अच्छा फ्रेंड सागर भैया और आरव बना है। तो अभी उनके साथ दोस्ती रहेगी शो के बाद भी? हाँ, उनके साथ दोस्ती रहेगी। और मुझे बताओ नोबूजीत, आप मुझे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने डांस अभी 2 साल पहले ही सीखना शुरू किया, राइट? हाँ। तो कैसा लग रहा है कि 2 साल में आपने इतना हार्ड वर्क किया कि डीआईडी लिटिल मास्टर्स के विनर बन गए सीजन 3 के, तो अब इसको और आगे कैसे लेके जाने का सपना है? मैं और मेहनत करूंगा और अलग अलग रियलिटी शो में ट्राई करूंगा कि मैं और अच्छा कर पाऊं, और अलग अलग डांस फॉर्म में सीखना चाहता हूं। और आपके डैड थोड़े से नाराज हैं आपके पर, आप डांस करते हो इसलिए आप अपने टीचर के साथ ही रहते थे, तो उनका कोई मैसेज आया, कुछ उन्होंने कॉल किया या कुछ मिलने आए या कुछ हुआ उनके तरफ से? जब मैं विनर बना था तो पापा को फोन किया, तो पापा भी बहुत खुश थे। अब वो खुश हैं? हाँ, अब वो बहुत खुश हैं। और उन्होंने क्या कहा आपको फोन पे? उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन बोला और बोला कि ऐसे ही और डांस अच्छे से करते रहो, मेहनत करते रहो। पर आपका, आपके डैडी का सपना तो है कि आप आर्मी ज्वाइन करें, तो आप किसको चुनोगे, डांसिंग को चुनोगे या आर्मी ज्वाइन करना? मैं डांसिंग को चुनूंगा। ओके ओके। तो अभी जब आपके डैड खुश हो गए हैं कि कहीं ना कहीं आपने जो प्यार था आपके डांस के लिए वो वेस्ट नहीं किया, आपने 2 साल उसके ऊपर मेहनत की और अब शो भी जीत गए, तो क्या अब उनसे मिलने का प्लान है? क्या वो आने वाले हैं मुंबई, आप जाने वाले हो? मैं जाने वाला हूँ घर। ओके। और वहां पे क्या स्वागत बहुत होने वाला है, क्योंकि आपके भी दोस्त होंगे वहां पे, रिलेटिव? हाँ। मुझे नहीं पता कि वो कैसे स्वागत करेंगे, पर जैसे भी करेंगे मैं बहुत खुश रहूंगा उस समय। एंड डीआईडी लिटिल मास्टर्स से क्या क्या मिस करने वाले हो आप?
अब शो खत्म हो गया लेकिन इतना टाइम बिताया अपने शो में। मैं वैभव सर को मिस करूंगा और हमारे जजेस को मिस करूंगा और मैं इस मंच को भी मिस करूंगा। और आप यू नो आप डांस करते हो इतने अच्छे से निबोध जी, तो आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले होंगे शो के अंदर। कोई ऐसा एक्टर है जिसके लिए आप कभी उनके साथ परफॉर्म करना चाहते हो, कुछ डांस करना चाहते हो, कोई स्टंट करना चाहते हो? मैं विद्युत जामवाल सर के सामने स्टंट करना चाहता हूँ। वाओ, कभी मिले हो आप, कभी चांस मिला उनसे मिलने का? नहीं। तो आप मिलना चाहते हो? हाँ। तो इस वीडियो के जरिए उनको रिक्वेस्ट कर दो। विद्युत जामवाल सर, क्या आप ये वीडियो देख के प्लीज मेरे स्टंट्स को देखिएगा। आपको सबसे बेस्ट बात क्या लगती है विद्युत के बारे में? मुझे उनका फाइटिंग बहुत पसंद है, उनका एक्टिंग बहुत पसंद है। और कौन सी फिल्म उनकी आपकी फेवरेट है? उनका मेरा जंगली मूवी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, डांस इंडिया डांस की बात करें तो जजेस थे, जजेस ने बहुत प्यार दिया आप लोगों को जर्नी में। आप सबसे ज्यादा क्लोज कौन से जज की थे जिनकी आपको याद आने वाली है? मुझे रेमो सर का बहुत याद आएगा। उनकी क्या बात अच्छी लगती थी? क्योंकि उन्होंने मुझे डांस का लाम बुलाया है, डांस का बहुबली बुलाया है, तो मैं वो सब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो बोलते हैं। तो अभी आपने डीआईडी जीत लिया है लिटिल मास्टर सीजन 5। मुझे बताइए नोबो जी, जो आपको पैसे मिलने वाले उससे आप क्या करने वाले, कुछ प्लान सोचा है? जो मुझे पैसे मिले हैं मैं उनको मेरी डांस टीचर दीपिका मैम के लिए एक बहुत बड़ा डांस क्लास खोलना चाहता हूँ। और अपने लिए कुछ खरीदना चाहोगे, कोई ड्रीम है आपका, कहीं ट्रैवल करना चाहोगे, कुछ खरीदना चाहते हो, पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हो? मम्मी पापा को जो चाहिए वो मैं उनको पैसा दे दूंगा, जो जिस पैसे से मैं जीता हूँ, मतलब जो जीते हुए पैसे है वो उनको दोगे और फिर वो डिसाइड कर सकते हैं कि वो कैसे यूज करेंगे। हाँ, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक बात बताए नोबोजीत, मुझे एक बात बताइए कि डांस इंडिया डांस ने आपकी अब जर्नी एकदम बदल दी है, लाइफ बदल दी है, आपको घर घर तक पहुंचा दिया है। बहुत सारे एक्टर्स आए शो में अपनी फिल्मों को प्रमोट करने, किसके साथ बहुत मजा आया डांस करके, कोई ऐसा एक्टर? मुझे जब रणवीर सिंह सर आए थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। बहुत एनर्जेटिक है ना वो? हाँ। अच्छा, आपको अगर अपनी जर्नी सम अप करनी हो, आपको अपना जर्नी के बारे में कुछ कहना हो तो आप क्या कहोगे डीआईडी लिटिल मास्टर सीजन 5 में? मैं यहाँ पे ऑडिशन में आया था तो मैं थोड़ा सा डरा हुआ था और एक्साइटेड भी था। उसके बाद दिन बढ़ते गए, मेरे ऑडिशन मेगा ऑडिशन पार होते गए, मैं वैभव सर की टीम में आया और मुझे बहुत कुछ सीखने मिला वैभव सर के साथ और बहुत मजा भी आया डीआईडी लिटिल मास्टर में। तो अभी यहाँ पे आप रह के काम करना चाहोगे और नोबुजी यू नो मैं और भी डांस शो करना चाहूंगा। और डांसर्स में आपके फेवरेट कौन कौन है? विद्युत जामवाल तो आपके बहुत फेवरेट हैं, लेकिन और कौन कौन से डांसर्स हैं जो आपको पसंद है, हीरो हीरोइन? मुझे गोविंदा सर बहुत पसंद है, उनका एक्सप्रेशन बहुत पसंद है। राइट। और हीरोइन में कोई? हीरोइन में नहीं। ओहो, हीरोइन में नहीं। अच्छा नोबुजी, जाने से पहले फैंस को कुछ कहना चाहोगे जो आपको सपोर्ट करते आए अभी तक और पसंद किया है जिन्होंने आपको? मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा। आप लोगों ने मुझे इतना सारा वोट दे के मुझे विनर बनाया, तो थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच नोबोजीत हमसे बात करने के लिए, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा ऑल द बेस्ट, बहुत सारा प्यार, कीप रॉकिंग ऑलवेज. थैंक यू, थैंक यू, टेक केयर, बाय.